Hello friends, welcome back to my lecture on Education 4.0. However, I have discussed lots of facts about Education 4.0 in previous lecture. तो मैं आज Education 4.0 के बारे में फिर से कुछ बातें इस पर कह रहा हूँ. तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग की बात हो रही है. तो आज के समय में जो न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें Education 4.0 बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है. कोविड क्राइसिस में भी हमने देखा कि हम लगातार ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टूल्स को हम यूज कर रहे हैं. तो ये बड़ा इमर्जिंग एरिया है और इस डायरेक्शन में हमको बहुत तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे. तो लर्नर बड़ा इम्पोर्टेंट है आज की इस एरा में, जबकि इसका रिवर्स था. जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल था वो इसका रिवर्स था. तो आज के समय में लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की बात होने लगी है. तो आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्लोगन इसमें दिया हुआ है, इफ वी टीच टुडे द वे वी वेर टॉट यस्टरडे, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर टुडे और टुमारो. तो यही चीज, ये फैक्ट है कि जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर हम वही तरीका फॉलो करें नई जनरेशन को की लर्निंग के लिए, तो हम उनको तैयार नहीं कर पाएंगे. ये दिस इज ओल्डर मॉडल, सो वी हैव टू अडॉप्ट न्यू मॉडल. तो क्या हुआ कि किस तरह से हमने हम यहाँ तक पहुँचे. एजुकेशन 1.0 था, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हम करते हैं. तो जब हमारे पास पेपर भी नहीं था, पेन भी नहीं था, तो मेमोराइजेशन ही एक टेक्निक थी कि मेमोरी में हम याद करके रखते थे नॉलेज को. तो उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुई चीज़ें और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होने लगी और पेपर पेन का हम यूज करने लगे. पेपर्स, पहले हमने पत्तों पर लिखना शुरू किया, फिर पेपर्स पर लिखना शुरू किया, फिर प्रिंटिंग मशीन आई, टाइपराइटर्स आए. तो इस तरह से हम एजुकेशन 2.0 की ओर मूव किए और धीरे धीरे इंटरनेट बेस्ड लर्निंग की ओर हम आए. तो ये जो गैप था, ये बहुत लंबा गैप था, ये थाउजेंड्स ईयर का गैप था एजुकेशन 1.0 से 2.0 में आने का. पर 2.0 के बाद ग्रोथ बहुत रैपिड होने लगी. 3.0 में हम बहुत जल्दी पहुंच गए और कंज्यूमिंग प्रोड्यूसिंग नॉलेज, ये सारे चीज़ें होने लगी एजुकेशन 3.0 के टाइम पे. और एजुकेशन 4.0 जो आज की एरा है, तो हम कह रहे हैं कि इम्पावरिंग एजुकेशन टू प्रोड्यूस इनोवेशन. तो आज हम इनोवेटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव वे ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इम्पावरिंग कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन. तो ये बड़ा चेंज आया है, ये डेवलपमेंट आया हुआ है. तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी की, और फिर उसके बाद हम किसी तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में मूव किए, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की ओर मूव किए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर मूव किए. उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी की ओर हम मूव किए. आज जो है नॉलेज इकोनॉमी के साथ साथ हम इनोवेशन सोसाइटी की ओर मूव कर रहे हैं. इनोवेटिव, वी हैव डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया और एजुकेशन 4.0 फ्रेमवर्क जो है वो इनोवेटिव सोसाइटी की ओर मूव कर रहा है. और इनोवेशन हमारे पास, अगर इनोवेशन है तो हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज विल नॉट सर्वाइव. तो बहुत तेज़ी से चेंज आ रहे हैं, इनोवेटिव चेंज है और नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं. टीचिंग लर्निंग में भी इनोवेशन आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स जो है, इज ए सुनामी. डेटा एनालिटिक्स सुनामी इज अबाउट टू हिट एजुकेशन सेक्टर. तो ये जो डेटा है, एनालिटिक्स है, इतनी सारी नॉलेज डोमेन्स हमारे पास हैं, तो एक तरह से सुनामी आ गई है एजुकेशन सेक्टर में. तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस वक्त. तो और दूसरा हम कह रहे हैं सुनामी इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन प्रोफेशनल. सो ICT में जो है, हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं और जिनके थ्रू हम एजुकेशन सेक्टर में, हमारे पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज शेयरिंग है, OER है, MOOCs है, टीचर इंट्रैक्शन है, इंटर्नशिप है, जॉब मार्केट है. तो ये सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं. सो वी आर रेनिंग द नॉलेज, एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि वी आर रेनिंग द नॉलेज एंड वी हैव बीन MOOCs, Coursera, यूनिवर्सिटी, विकी यूनिवर्सिटी, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव. सो आज हम ये कह सकते हैं कि हम एनीवेयर एनी टाइम वी कैन ग्रैब द एजुकेशन नॉलेज एंड पर्सनलाइज एजुकेशन हो गई है एज पर आवर नीड, एज पर आवर लेवल ऑफ आवर ट्रेनिंग, आवर ग्रेस्पिंग लेवल. हम जो है पर्सनलाइज एजुकेशन की ओर मूव कर रहे हैं. फ्लेक्सिबल डिलीवरी है, कहीं भी बैठे कहीं भी आप
एजुकेशन या लर्निंग आप कर सकते हैं। मेंटर बेस्ड लर्निंग होने लगी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल लैब के थ्रू हम लर्निंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, स्टूडेंट ओनरशिप है आज की डेट पे, और ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब के कारण जो है एकेडमिक्स या एजुकेशन को हमने बहुत अपलिफ्ट किया है और बहुत तेज़ी से हम जो है नॉलेज को और बहुत सारी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल चाइल्डहुड से ही मोबाइल का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल इज ए बिग सोर्स ऑफ नॉलेज। और तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, पर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। तो वर्चुअल लर्निंग की बात हो रही है या वर्चुअल इमर्सिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे पास है। हमारे पास जो है गूगल ग्लासेस हैं या हमारे पास वर्चुअल रियलिटी मॉडल्स हैं। तो इस तरह से हमको हमारा जो इक्विप्ड जो हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे पास इंडिया में जो है एक तरह से देखा जाए तो ह्यूज मैसिव अमाउंट में मैसिवली हम वी आर सप्लाइंग और एक्सपोर्टिंग ह्यूमन रिसोर्स टू अदर कंट्री। तो अगर हम एग्जांपल यूएसए का लें तो यूएसए में 5% डॉक्टर्स इंडियन हैं एक तरह से, ये देखा गया है ये। और साइंटिस्ट यूएसए में 12% साइंटिस्ट दे आर इंडियन एंड 36% साइंटिस्ट ऑफ नासा आर इंडियन एंड 34% इंप्लॉइज एट माइक्रोसॉफ्ट आर इंडियन एंड 20% of scientists at Intel are Indian. So this is the share of India. This is the huge share of highly talented manpower share of India in other countries. तो कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेनिंग लर्निंग इतनी अच्छी रही है कि हम जो है हमारे इंजीनियर्स जो हैं वर्ल्ड में इतना जो है रोल प्ले कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और एक स्टडी ये भी देखी गई कि US में 17% जो है स्कैर्सिटी है, लेबर सप्लाई जो है डिमांड जो है इसका गैप है, और चाइना में 10% है, 10% मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स उनके पास नहीं है जो वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जापान में 9% है, रसिया में 6% के लगभग है, यूके में -2% है, अदर कंट्रीज में सब मिलाकर के -12.5% है। तो सब मिलाकर के देखा जाए तो 56.5% जो ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल मैन पावर शॉर्टेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक्सपेक्ट किया गया कि 2020 तक ये रहेगी, ये एक्सपेक्ट किया गया। और इतने मिलियन की 56.5 मिलियन की जो है ये स्कैर्सिटी रहेगी, जबकि इंडिया में जो सरप्लस है इस डेट में वो 47% है, वाइल इंडिया अलोन विल हैव लेबर सरप्लस ऑफ 47 मिलियन। तो इतना जबरदस्त हमारे पास सरप्लस ह्यूमन रिसोर्स का है। और अब ये लेबर सरप्लस है तो हमको इक्विप्ड मैन पावर, हमको जो है हाईली टैलेंटेड मैन पावर, स्किल मैन पावर डेवलप करना है। तो ये हम कहीं ना कहीं हम स्किल इंडिया हैं या हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें चल रहे हैं जिसके थ्रू ट्रेन करके हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को आगे हम ये कर सकते हैं। तो पर हमारे पास नई लर्निंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अवर ह्यूमन रिसोर्स शुड बी ट्रेन बाय स्टैंडर्ड और ट्रेन अकॉर्डिंगली द इंडस्ट्री 4.0 रिक्वायरमेंट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। तो अब हम जरूरत है हमें रिमोट लर्निंग की। अगर हम फॉर्मलाइज क्लासरूम की बात करते हैं तो वो सफिशेंट नहीं है इतना मैन पावर ट्रेन करने के लिए। तो हमको जो है एक फ्लेक्सिबल मीडियम चाहिए कि रिमोट बेस्ड लर्निंग हो, रिमोट एक्सेस लैब्स हो, कहीं भी बैठे हम लैब एक्सेस कर सकें, स्टूडेंट सेंट्रिक हो या ओन स्पेस ओन क्यूरियोसिटी में कहीं भी उसको लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर हमें काम करना है और वर्चुअल लैब जो है ये सारी चीज़ें हमारी चलनी चाहिए। और जो भी करिकुलम डिजाइन हो दे शुड बी लर्नर सेंट्रिक, कि लर्नर को ध्यान में देखते हुए, जैसे कि इग्नो के करिकुलम से हैं कि हमारे पास लर्नर को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उसको ऑनलाइन मिल रही है और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू वो देख रहा है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो समझ रहा है, इस तरह से वर्क एक्सपीरियंस भी वो ले रहा है 6 मंथ जैसे जॉब ट्रेनिंग होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, इस तरह से इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी उसको मिल रही है या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग उसको ये फैसिलिटी है, तो फेस टू फेस काउंसलिंग तो हो ही रही है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू वो ट्रेन हो रहा है। और फ्लेक्सिबल लर्निंग है, कहीं भी बैठे फॉर्मलाइज क्लासरूम में बैठे जरूरी नहीं है कि सपोज यू आर डूइंग सम जॉब इन कंपनी देन यू कैन जॉइन द क्लासेस सैटरडे संडे बेसिस एंड
ऑनलाइन क्लासेज यू कैन टेक, सो अकॉर्डिंगली यू कैन एम्पावर योर सेल्फ। सो ये सारी चीज़ें हैं और हमारे पास आज की डेट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ई लर्निंग नॉलेज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से हम कनेक्ट हों, डिजिटल बुक्स हमारे पास हों, ई रिपोजिटरी टूल्स के अकॉर्डिंग वर्चुअल क्लासरूम की फैसिलिटी हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ओर हमें मूव करना है, ब्लॉग्स, NROER, NPTEL, यूट्यूब, स्पोकन ट्यूटोरियल, विकी यूनिवर्सिटी, एकलव्य, बृहस्पति, TED टॉक्स एंड खान अकेडमी, एडूसेट, एम लर्निंग, वेब कास्ट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इन सब को हम कहीं ना कहीं अपने कैरिकुलम का पार्ट बनाएं। एव्यू है, स्काइप है, इस पे जो हमारे प्लेटफॉर्म है, गूगल ब्लू बटन है, DTS स्पेस डिलीवरी है, या गो टू मीटिंग, वेब मिक, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, इनकी हमको जानकारी होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग है, या हाइब्रिड लर्निंग टर्म्स हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम है, इन्वर्टेड क्लासरूम है, जस्ट इन टाइम टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनसे हम अनअवेयर ना रहें। इन सारी चीज़ों को हमें समझना आना चाहिए। कंटेंट बेस्ड एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। ड्रूबल, जुमला, ये जो नए सॉफ्टवेयर हैं, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। OER और MOOCs बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। क्लाउड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लॉगिंग, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक्स, इन सब का हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, हम लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में हम इन सबको यूज कर रहे हैं। कंटेंट डिलीवरी टूल्स हैं, स्मार्टफोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है, विजुअल बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, तो इस तरह से सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोशल मीडिया, ई लर्निंग में, ई वर्कशॉप, ई सेमिनार, तो ये बैकबोन है आज के टाइम पे, ये कोविड क्राइसिस में तो ये बैकबोन है ही, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, और नई जनरेशन टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है, जबकि ओल्डर जनरेशन थोड़ा धीरे धीरे करती है टेक्नोलॉजी पर है। तो एक फैक्ट है कि 75 ईयर लगे टेलीफोन को पहुंचने में 100 मिलियन कस्टमर तक, जबकि वेब ने 7 ईयर लिए उसको 100 मिलियन कस्टमर तक पहुंचने के लिए, और फेसबुक ने और कम समय लिया, 4 ईयर में ही वो 100 मिलियन कस्टमर पहुंच गया, इंस्टाग्राम 2 ईयर में ही पहुंच गया 100 मिलियन कस्टमर, जबकि जो गेम है, अगर हम देखें पोकेमॉन गो की बात करें या हम पबजी जैसे गेम्स की बात करें, तो स्टूडेंट बहुत तेज़ी से, जो नई जनरेशन है बहुत तेज़ी से उनको अडेप्ट कर रही है, और यहाँ पर देखा गया कि विद इन 1 मंथ इट इज रीच इन विद इन 100 मिलियन कस्टमर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो इसका मतलब जब नई जनरेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है तो हमारा जो टीचिंग मेथड है वो भी नया होना चाहिए। हम ओल्डर मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, वो तो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पड़ेगी। तो इसलिए बड़ा पॉजिटिव हमारा इसका फ्यूचर है कि हमको टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग की ओर मूव करना चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक स्टैटिस्टिक्स ये भी है 2016 का कि चाइना में जो इंटरनेट यूजर थे वो सबसे ज़्यादा थे और इंडिया नंबर 2 पे था वर्ल्ड में, तो ये भी बड़ा फैक्ट है। तो जब हमारे पास इतनी सारी पॉजिटिव फैक्ट्स हमारे पास हैं तो हम, हमारा जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग पे ही है। तो इसका मतलब हमारी जो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग बेस जो फ्यूचर प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी। अगर हमारे पास IT यूजर्स कम होते तो शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सोसाइटी जो है इस डायरेक्शन को जा रही है, तो सोसाइटी ड्रिवन एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से रिमोटली हमारी फिजिकल लैब है, रिमोटली हम बैठे हुए हैं, तो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी कि अपनी लैब में हम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए हम किसी दूसरी लैब को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट, जैसे रिमोट लॉगिन के थ्रू हम जो है यूजर जो है तो इंटरनेट मीडिया हम इसको ले सकते हैं। तो ये स्पोकन ट्यूटोरियल या स्पोकन वो वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट जो है ये है, तो उसमें यही चीज़ें हैं कि हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं सर्वर्स को। तो इसेंशियल एलिमेंट क्या है ई लर्निंग के, अब इस पर हम आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें 4 मेजर पिलर्स हैं इसके ई एजुकेशन या ई लर्निंग के। पहला तो क्या है, ई कंटेंट। ई कंटेंट मीन डिजिटल कंटेंट। तो ये आज की डेट में हमारे पास सारे डिजिटाइज होते जा रहे हैं, कोई भी बुक्स नहीं आती है तो वो डिजिटल फॉर्म में ही आ रही है, और पुरानी जो बुक्स थी वो स्कैन करके ऑलरेडी डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट की जा चुकी हैं, और मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो डिजिटाइज फॉर्म में है। तो इसका मतलब ई कंटेंट हमारे पास सफिशियंट है। दूसरा, डिजिटल कम्युनिकेशन। इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे पास मोबाइल बहुत कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और रिमोट एरिया में भी मोबाइल कनेक्टिविटी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है।
तो कनेक्टिविटी भी हमारे पास ठीक ठाक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन भी सफिशियंट है और इंटरफेसेस वी हैव बीन लॉट्स ऑफ इंटरफेसेस। तो हमारे पास जैसे हमारे पास स्वयं की प्लेटफॉर्म है, या हमारे पास एवीयू का प्लेटफॉर्म है, या हमारे पास गूगल मीट है, गूगल ब्लू बटन है, इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू, सिस्को के प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, गो टू मीटिंग है जैसे, इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, या ई ट्यूटर है, और उसके बाद फाइनली वी हैव ई ट्यूटर, वी हैव लॉट्स ऑफ ट्यूटर हमारे पास, जो स्किल्ड मैन पावर है या ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे को जो ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए जो रेडी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ई लर्निंग पॉसिबल है और ई लर्निंग हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, तो ये फ्यूचर है, तो हमको इसको फॉलो करना है। तो ई कंटेंट या डिजिटल कंटेंट के फॉर्म में हम अगर हम किंडल को देखें तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी बुक्स हमारे किंडल में रहती है, तो इस तरह से डिजिटाइज फॉर्म में हमारी एजुकेशन है। और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट, स्काइप, एवीयू, गूगल ब्लू बटन, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, गोटू मीटिंग, इस तरह से बहुत सारे डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए हमारे इंटरनेट के साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम इसमें जैसे अगर हम देखें तो हमको लिसनर्स की लिस्ट हमको दिखाई देगी, यूजर्स कौन कौन है इसमें हमको ही पता चल जाएगा, कौन स्पीच दे रहा है उसका हमें मालूम चल जाएगा, हम चैटिंग कर सकते हैं, हम बीच में इसमें PPT चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वर्चुअल क्लासरूम है या वर्चुअल मीटिंग है वो हमको उसका जो फील जो है वो एक्चुअल की तरह ही हमको यहाँ पर लगता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं और टाइम चेंज हो रहा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को हम मूव कर रहे हैं, अब हम यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमको जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिल्डिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफिस में, वो सारा हम जो है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हम उसको बचा सकते हैं कि वी रिक्वायर ओनली सर्वर्स, डिफरेंट कंटेंट सर्वर, डेटा सर्वर, स्ट्रीमिंग सर्वर, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। इस तरह से एक और हमारे यूनिवर्सिटी स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी ओर एकेडमिशियन है, प्रोफेसर हैं, तीसरी ओर स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, मेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, तो वी रिक्वायर सेपरेट मेल सर्वर, और जिसमें कंटेंट होंगे एकेडमिशियन के और जिनको जो है स्टूडेंट शेयर करेंगे क्लाउड से, तो वो हमारा कंटेंट सर्वर हो जाएगा या डेटा सर्वर हो जाएगा, स्ट्रीमिंग हो जाएगी उसमें स्ट्रीमिंग। इस तरह से स्टूडियो है जहाँ पर हम एकेडमिशियन लेक्चर्स यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको जो लर्नर्स हैं वो उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर मैनेज कर सकते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सर्वर क्लाउड में हो सकता है और वी रिक्वायर सम सर्वर एंड वी डोंट रिक्वायर एनी, बहुत ज़्यादा हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करना है, बल्कि हमको इन्वेस्ट करना है किस पे, सर्वर्स पे। तो हमारा जो है ऑनलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं और फाइनली वी आर गेटिंग डिग्री ऑनलाइन, तो इस तरह से, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी आर पेइंग टू द यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी या वर्चुअल स्कूल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगा है, वर्चुअल क्लासेज का कॉन्सेप्ट आना है, रिमोटली आपका ट्रेनर बैठा हुआ है और वो अलग अलग लोकेशन पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को एक साथ ट्रेन करता है, तो ये बड़ा सही कॉन्सेप्ट, ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट आ गया है। NPTEL ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, 16 IIT और IISc ने NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टीचिंग लर्निंग इन्हेंसमेंट पर काम किया और ये बड़ा पॉपुलर रहा इंडिया में, और इंजीनियरिंग से लेकर के तमाम सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप देख सकते हैं उसके डिजिटाइज फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, सारे लेक्चर्स IITs के लेक्चर, जो IITs में हम एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था, वो IITs के प्रोफेसर के लेक्चर हम इजीली आज की डेट पे हम यहाँ पे NPTEL पे देख सकते हैं और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, उनके जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट है वर्चुअल लैब के थ्रू, तो हम रिमोटली लोकेटेड लैब में हम एक्सेस ले सकते हैं और वहाँ पे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये भी बेनिफिट है इसका। वर्चुअल रियलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल रियलिटी क्लास, तो हम कहने लगे हैं कि TV स्क्रॉल ऑन और क्लास, मतलब हम जो है वर्चुअल रियलिटी क्लास अपनी आईज में, अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को वी आर वियरिंग आवर मोबाइल फ़ोन और आवर आईज, देन वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ TV, तो हम 3D उसमें वीडियो हम देख सकते हैं और हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, उसको क्रिटिकली उसका व्यू समझ सकते हैं। गेमिफिकेशन, गेम बेसिकली गेम इट्स, गेम्स आर किलिंग आवर टाइम समटाइम, ऑनलाइन गेम्स समटाइम, सो बट थ्रू गेमिफिकेशन वी कैन लर्न द थिंग्स एंड गेम बेस्ड लर्निंग की बात हम कर
कहने लगे हैं आप, तो हमारे गेम्स इस तरह के हैं कि जिससे हम लर्न कर रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए गेम्स जो हैं हम उनको गेम्स से दूर रखने के लिए हम गेम बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर्स उनको उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनकी लर्निंग भी होती रहे और गेम्स भी वो खेल लें, उनका टाइम किल ना हो। वेबिनार जो है, वेबिनार हैं, प्रेजेंटेशन है, लेक्चर्स, ये सारे ऑनलाइन होने लगे हैं। तो ये चेंजेज आए हैं टीचिंग में, तो ये एजुकेशन 4.0 कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर के हम इसमें कहते हैं कि ये यही एजुकेशन 4.0 है। ऐसी सोशल लर्निंग, वी हैव लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड वी कैन शेयर आवर नोट्स और वीडियो पिक्चर्स एंड वीडियोज और एजुकेशनल वीडियो, यू कैन शेयर देम बिटवीन द स्टूडेंट। तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाते हैं उस ग्रुप में, वो सारे स्टूडेंट, सपोज क्लास का पूरा ग्रुप है तो कोई भी नोट्स पूरे ग्रुप के पास पहुँचता है। तो ये बेनिफिट है इसका। मोबाइल बेस्ड लर्निंग बड़ी पॉपुलर हो रही है, सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर है हमारी लर्निंग का। और खान अकेडमी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉपुलर पोर्टल है, जहाँ पे यू कैन क्रिएट द क्लासेस। सलमान खान अकेडमी इसको बोलते हैं, तो US बेस्ड जो है सलमान खान अकेडमी है। तो इसमें यू कैन क्रिएट योर क्लास एंड यू कैन ऐड द स्टूडेंट। तो ऑनलाइन आप क्लासेज इसमें ले सकते हैं, जैसे मैथ्स की, अलजेब्रा की, किसी भी सब्जेक्ट में क्लासेज आप ले सकते हैं। तो क्रिएट योर ओन क्लास इस तरह से यहाँ पे है, तो बहुत सिंपल स्टेप्स में हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। टीचर कैन गेट रजिस्टर्ड ऑन दिस। एंड TED टॉक्स जो ही स्टार्ट हुआ था, TED टॉक्स अराउंड 18 मिनट्स और लेस टॉक्स, तो ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ। और आप गूगल में, YouTube में अगर आप देखेंगे तो TED टॉक्स आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल टॉक्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट मोर देन 100 लैंग्वेजेज में। तो ये भी एक लर्निंग का मीडियम है। YouTube अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, आपको कोई डिश कुक करनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप पार्किंग से रिलेटेड, आप कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप YouTube में ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रिसोर्स है, बहुत ह्यूज रिसोर्स है। Moodle, मॉडुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, Moodle जो है ये पॉपुलर टर्म है रहा है। तो Moodle इज ए फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू हेल्प लेक्चरर्स स्टूडेंट एज ए टूल टू प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ द क्वालिटी टीचिंग। तो हम इसमें अपना क्लास खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपना सब्जेक्ट या कोर्स बना सकते हैं। वंस लॉग्ड इन यूजर्स हैव एक्सेस टू द कोर्सेज दे आर रजिस्टर्ड इन, लेक्चरर्स आर रजिस्टर्ड एज ए यूजर दैट कैन एडिट द कोर्स साइड इंक्लूडिंग मॉडिफाइंग एक्टिविटीज एंड मेकिंग द स्टूडेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, तो नए टर्म्स आ रहे हैं टीचिंग में भी, नए ट्रेडिशनल टीचिंग के अलावा हम नए टर्म्स हम यूज कर रहे हैं टीचिंग में। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस लर्निंग, ई लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग। तो इस तरह से ये है ऑनलाइन एंड ओपन एंट्री, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है फेस टू फेस लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग का कॉम्बिनेशन क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग MOOCs मॉडल ऑफ द IIT बॉम्बे, तो ये है। तो इस तरह से MOOCs भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहा है, और आज की डेट पे स्वयं गवर्नमेंट का जो है MHRD का जो प्रोजेक्ट है स्वयं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और MOOCs बेस्ड लर्निंग मैसिव, मतलब मैसिव अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में, कोर्सेरा इसका एक एग्जांपल है। और ओपन जो कि फ्री है सबके लिए, ओपन का मतलब है फ्री टू एनीवन, ओपन टू एनीवन इंटरनेट कनेक्शन, एंड वेरी लार्ज ऑफन हैव ए स्टूडेंट एनरोल्ड, सो बिग अराउंड 50,000 स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड इन MOOCs एंड फैकल्टी कैन नॉट रिस्पॉन्ड एवरीवन इंडिविजुअली। जबकि अगर हम फिजिकल क्लास में देखें तो हम 50,000 को एक साथ नहीं क्लास ले सकते हैं, पर ऑन MOOCs वी कैन टेक अराउंड 50,000 स्टूडेंट इन क्लास। इट हैज़ बीन फोर्सिन दैट द नियर फ्यूचर यूनिवर्सिटी विल अवार्ड डिग्री 100% कंटेंट ऑन MOOCs। तो ये होने लगा है, आज की डेट पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो MOOCs को अप्रूव करने लगी हैं, जैसे EDX है, कोर्सेरा है, Udemy है, तो इनके जो कोर्सेज हैं, इनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनको इंडस्ट्री अप्रूव करती है। अगर स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग की डिग्री करता है और उसके साथ साथ अगर वो उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, तो कंपनी भी उसको प्रेफर करती है और कंपनीज में उसको जॉब मिलना आसान होता है, जैसे कि CCNA है, MCSE है, और ये इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ओरेकल सर्टिफाइड इंजीनियर है या सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर है, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ये सर्टिफिकेशन है तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं इस तरह से MOOCs के जो प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे MOOCs के प्लेटफॉर्म हैं, कैनवास है, क्लास टूबो है, कोर्सेरा, कोर्स साइट है, EDX है, गूगल कोर्स बिल्डर है, खान अकेडमी, यूडासिटी,
यूडीमी, ये बहुत सारे जो गूगल दे आर मूक्स प्रोवाइडर, और इनके थ्रू हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, तो ये इस तरह से आता है। EDX जो है MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों का कोलैबोरेटिव फाउंडेशन है, जो कि सर्टिफिकेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। पॉपुलरिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। विकी यूनिवर्सिटी, विकी इज़ डूइंग लॉट ग्रेट जॉब ऑन द एजुकेशन, और लाइक EPG पाठशाला, इसमें हम कंटेंट विकी में कंटेंट्स इसमें रहते हैं, OER कंटेंट्स इसको कह सकते हैं हम, तो जिसको हम विदाउट लाइसेंस वी कैन, विदाउट टेकिंग एनी लाइसेंस वी कैन यूज द विकी कंटेंट, और अगर हम किसी और साइट से लेते हैं तो हमको लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ती है, कॉपीराइट इशू आता है। तो यहाँ पे हम इजीली हम कंटेंट ले सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अपने कोर्स को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। तो टीचर्स, इट इनवाइट टीचर, स्टूडेंट, रिसर्चर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो ये कोलाबरेटिव लर्निंग कम्युनिटी की एक तरह से हम इसको कह सकते हैं विकी यूनिवर्सिटी। तो इसमें विकी कम्युनिटी, विकी इसके अंदर आता है, सब्जेक्ट गाइड विकी आया, विकी एज कोर्सवेयर, विकी एज वेबसाइट, एनी वन कैन मेक द चेंजेज ऑन विकीपीडिया, एंड समटाइम वी कॉल इट विकी यूनिवर्सिटी, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको। सो MIT ने जो MOOCs और ये सारी चीज़ें पहले स्टार्ट की थी, और इसका जो बहुत तेज़ी से MIT जैसी यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करती है MOOCs पर, तो ये इसका फ्यूचर है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग का फ्यूचर है आज की डेट पर। विकीपीडिया, विकी यूनिवर्सिटी कनेक्शन से, और नॉलेज हब है, फ्लिकर है, यूनेस्को है, ये सारे जो हैं वो ऑनलाइन कलेक्शन रिपोजिटरी हैं किसके, MOOCs के। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा, यूट्यूब, यू कैन क्रिएट योर चैनल ऑन यूट्यूब फॉर स्टडी द, टू स्टडी द स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही बहुत सारे एफर्ट्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे 10 मार्क्स है, अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छी मैथमेटिक्स सीखनी है तो 10 मार्क्स में इनरोल कर सकते हैं। 10 मार्क्स, दिस इज द साइन और लोगो ऑफ 10 मार्क्स, डिस्कवरी एजुकेशन है, बिग आइडियाज लर्निंग है, कैनवास है। तो ये डिवाइस विल लोडेड विद द, ये इसमें क्या है कि ये दे प्रोवाइड द डिवाइसेज विल बी लोडेड विद द डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर द स्टूडेंट ग्रेड लेवल, तो ये इसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से 10 मार्क्स का ये इसमें आप ये भी यहाँ भी देख सकते हैं, ये अमेजन कंपनी इसको प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन मैथ रिसोर्स है, और स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन क्लोजली वॉच द स्टूडेंट लर्निंग बाय दिस 10 मार्क्स ऑल्सो, सो कैन बी टेलर टू फिट स्टूडेंट नीड्स एंड मॉनिटर बाय द टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, इसको क्लोजली वो मॉनिटर कर सकते हैं। WebEx मीटिंग एक बड़ा एग्जाम्पल है, वेबिनार के लिए या क्लासरूम टीचिंग क्लास के लिए, क्लास टीचिंग के लिए गूगल क्लासेस बहुत हेल्पफुल है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। इसी तरह से AVU बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये प्रोवाइड करता है क्लास रूम्स, मीटिंग, ट्रेनिंग वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, इन सब के लिए असिस्ट करता है। तो ये अपना जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं, अमृता यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हम नोट शेयर कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं, लैपटॉप से हो सकते हैं, TVs के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से हम बहुत सारे मीडियम हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। और हम यहाँ पर रेज हैंड फैसिलिटी है ताकि हम अपने क्वेश्चन पूछ सकें, टैबलेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू हम पोल कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर किसी क्वेश्चन को ओपिनियन चाहिए नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हम ओपिनियन टैबलेट के थ्रू दे सकते हैं। मोबाइल पे क्विज हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन चैट कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। लाइव इंटरेक्शन इसमें हो सकता है और ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। वाइट बोर्ड आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप का जो है PPT शेयर कर सकते हैं, 3D व्यू आप दे सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी हैं। और कितने लोग, अगर क्लासरूम में अगर हमने TV के थ्रू हम क्लासेस लेते हैं रिमोटली, तो कितने लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो उनके हेड काउंट के थ्रू अटेंडेंस ये रिकॉर्ड कर लेगा। कितने लोग अलर्ट मोड में हैं, कितने लोग स्लीपिंग मोड में हैं, ये भी ये फाइन कर लेगा। तो इस तरह से अलर्ट मोड, ये अलग अलग कलर में, येलो कलर है या ग्रीन कलर है, तो ये अलग अलग कलर में इनका अलर्ट मोड फाइंड आउट करता है कि स्टूडेंट आर अलर्ट इन द क्लासरूम और नॉट। अगर जो अलर्ट नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। नंबर ऑफ यूजर हु आर प्रेजेंटिंग
जो स्पीच दे रहे हैं तो उनका फोटोग्राफ के साथ वीडियो इसमें शो हो सकता है। तो ये है व्हाइट बोर्ड शेयरिंग है, मोबाइल क्विज है, टैबलेट पोल है, लाइव क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इस तरह से हम 3D इमेज देख सकते हैं, 3D वीडियो हम देख सकते हैं, जैसे सिमुलेशन ऑफ द थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी का जो सिमुलेटेड ऑपरेशन वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। और इससे ये ऑनलाइन लाइव आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शो करेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग में। जबकि अगर ऑपरेशन ऑपरेशन को अगर हमें देखना है तो वो बहुत कम लोगों की रीच हो सकती है वहाँ तक, पर अगर हम ऑनलाइन में सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं तो ये हो सकता है कि ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सकती है। तो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, हम इसमें कोर्स बिल्ड कर सकते हैं, अपना कोर्स खुद का लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, इन्हीं सारे इनिशिएटिव के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करूँगा। तो एजुकेशन 4.0 एक अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आने वाला समय जो है वो एजुकेशन 4.0 का है, और हम जो है आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनोवेटिव एजुकेशन की ओर हम मूव कर रहे हैं। तो एजुकेशन में भी इनोवेशन आ रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री 4.0 में इनोवेटिव एरा ऑफ टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, उसी तरह एजुकेशन 4.0 भी इनोवेटिव एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव एरा ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एज वेल एज फोकस टुवर्ड्स टीचिंग। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।